दोस्तों समर सीजन में जीन्स पहनना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और अगर इसलिए आप एक बेहतरीन चीनो पैंट की तलाश में हैं तो फिर आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। और इसलिए आज के इस वीडियो में हम कुछ बेहतरीन चीनोस का डिटेल रिव्यू करेंगे, लाइक ब्रांड, कलर, फैब्रिक, वॉशिंग इंस्ट्रक्शन, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा। और हाँ, कार्गो रिव्यू डिमांड करने वाले मेरे भाई लोग बिल्कुल भी निराश ना हो क्योंकि आप लोगों का वीडियो नेक्स्ट वीक आने वाला है। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। हेलो जेंटलमैन, दिस इज गौरव, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्प्लीफाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल चीनोज है लिवाइस ब्रांड की तरफ से। आई थिंक इस ब्रांड के बारे में ज्यादा कुछ आप लोगों को बताने की जरूरत है नहीं। सिंपल सॉलिड ब्राउन कलर का ये चीनोज है, बिल्कुल ही मिनिमलिस्ट डिजाइन के साथ। थिकनेस इस पैंट का नॉर्मल है बट ब्रीदेबल बिल्कुल भी नहीं है। इन हैंड फील सॉफ्ट तो नहीं कहूंगा लेकिन कंफर्टेबल है। अगर फैब्रिक की बात करो तो इसमें यूज किया गया है कॉटन एंड इलास्टन। इलास्टन यूज करने वजह से ये जो पैंट है वो थोड़ा सा स्ट्रेचेबल है। ओकेशन की बात करो तो इसको ऑल वेदर कहीं भी पहन सकते हैं, सेमी फॉर्मली फॉर्मली, क्योंकि इतना ब्रीदेबल नहीं है तो आई थिंक कड़क गर्मी में थोड़ा सा प्रॉब्लम, थोड़ा सा इरिटेशन हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर। दोस्तों ये स्लिम फिट पैंट है और मैंने अपने फिटिंग के हिसाब से जो वेस्ट साइज है वो 28 परचेस किया है, बट यहाँ स्क्रीन पर आपको साइज चार्ट दिख रहा होगा तो आप अपने फिटिंग के हिसाब से साइज चेक कर लेना। फिटिंग की बात करते हैं, जैसे तो ये जो पैंट है इसका फिटिंग मेरे ऊपर ठीक ठाक है, ना बहुत ज्यादा टाइट है ना बहुत ज्यादा लूज है, कंफर्टेबल फिटिंग है। हाँ, लेंथ थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो मुझे उसको या तो फोल्ड करके या फिर टेलर करके थोड़ा सा इस लेंथ को एडजस्ट करना पड़ेगा। इसका टैग प्राइस तो औकात से बाहर है लेकिन मिंत्रा से मैं इसको परचेस किया 1049 रुपीज में। प्राइस के हिसाब से ये प्रोडक्ट जो है वो जस्टिफाइड है क्योंकि पहली बात आपको इसमें लिवाइस का ब्रांडिंग मिल रहा है, दूसरी बात दोस्तों न्यूट्रल कलर है और आई थिंक ये जो पैंट है वो 2 साल आराम से चल जाएगा। बाकी आपकी मर्जी क्या कर रहे हैं आप देख लो। और हमारे चैनल पर आपको एक बजट चीनोज का प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों बटन क्वालिटी ठीक ठाक है, जिप क्वालिटी की बात करो जिप क्वालिटी काफी ज्यादा स्मूथ है। आपको 5 पॉकेट मिल जाएगा सामने की तरफ, दो साइड पॉकेट, एक कॉइन पॉकेट और बैक साइड में आपको 2 पॉकेट मिल जाएंगे। इस पैंट के अंदर साइड में आपको एक पर्ची देखने को मिल जाएगा जिसमें दोस्तों वॉशिंग इंस्ट्रक्शन लिखा गया है, तो प्लीज आप उसको फॉलो कीजिएगा तभी आपका ये पैंट है वो ज्यादा देर तक लास्ट करेगा। और हाँ, अगर आप हाथ से वॉश करने वाले तो प्लीज अच्छे से इसको साफ कीजिए जेंटली और महंगा डिटर्जेंट यूज कीजिएगा। स्टाइल की बात करो तो आप इसको जो है वो शर्ट्स के साथ, शॉर्ट कुर्ता के साथ, जैकेट या ब्लेजर के साथ भी पेयर कर सकते हैं। भाई लोग ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है लेकिन अगर आप चाहो तो मैं हेल्प कर सकता हूं। कैसे? नीचे लाइक बटन है यार, उसको प्रेस कर दो, आपके लाइक से तो हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लोग हमारे हौसला अफजाई नहीं करोगे तो हमें कहां से मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों सेकंड हमारे चीनों से ऑलिव ग्रीन कलर, मैं इसको प्योर ऑलिव ग्रीन तो नहीं कहूंगा, ये ऑलिव ग्रीन का एक लाइटर शेड है। रोडिस्टा का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। फैब्रिक की बात करो तो इसको बनाया गया है कॉटन और इलास्टिक मटेरियल से। इलास्टिक मटेरियल से ये पैंट है बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल नहीं है, बिल्कुल सॉलिड पैंट है दोस्तों, कोई प्रिंट या पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। और हां, सॉलिड से आ रहा है। क्या आप लोग चेक शर्ट या चीनों का रिव्यू चाहते हैं? चाहते तो कमेंट बताइए, मतलब कमेंट कीजिए चेक शर्ट या चेक चीनों ग्रीन का। थिकनेस इस पैंट का लिवाइस से थोड़ा सा कम है, इन हैंड फील सॉफ्ट नहीं है बट कंफर्टेबल है और ब्रीदेबल नहीं है। ये ब्रीदेबल नहीं है लेकिन आप आराम से इसको गर्मी में पहन सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गर्मी के अलावा आप इसको ऑल वेदर पहन सकते हो फॉर्मली से इनफॉर्मली। दोस्तों टैग प्राइस तो 2000 रुपीज के आसपास है लेकिन मिंत्रा से इसको परचेस किया ओनली 769 रुपीज में और फिलहाल तो अभी आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन इस कलर में अगर कोई और पैंट मिलता है मेरे को रोडिस्टार का ही तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। इस पैंट का जो फिटिंग है वो लिवाइस से थोड़ा सा टाइट है जो कि आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा। ये पैंट मेरे पूरे पैरों को जो है वो हग करके बैठा है, मतलब टाइटली नहीं लूजली हग करके बैठा है। लेंथ इस पैंट का थोड़ा ज्यादा है तो टेलर के पास जाकर या फिर फोल्ड करके मुझे इसका एडजस्ट करना पड़ेगा। वेस्ट साइज 28 है, स्लिम फिट पैंट है, मैंने अपने अकॉर्डिंग इसको परचेस किया था, यहाँ से आपको साइज चार्ट दिख रहा होगा तो आप अपने फिटिंग के हिसाब से साइज चेक कर लेना। इस पैंट के अंदर भी आपको एक टैग मिल जाएगा जिसमें वॉशिंग इंस्ट्रक्शन लिखा गया है तो उसको फॉलो कर लेना। बाकी रोडिस्टा का पैंट है, बजट पैंट है तो थोड़ा बहुत कलर इसका जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत जाएगा, अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इस पैंट में आपको 4 पॉकेट देखने को मिल जाएगा। बटन क्वालिटी काफी अच्छा है, काफी बड़ा भी, साथ ही दो एक्स्ट्रा बटन भी आपको मिल जाएगा और जो जिप क्वालिटी वो भी बहुत ज्यादा स्मूथ है इस पैंट का। स्टाइल की बात करो तो इस चीनों को भी जो है आपको शर्ट के साथ, टी शर्ट के साथ, शॉर्ट कुर्ता के साथ, जैकेट ब्लेजर के साथ आराम से पेयर कर सकते हैं। हमारा थर्ड चीनो है हाईलैंडर ब्रांड की तरफ से रॉयल ब्लू कलर में। मैं इसको प्योर रॉयल ब्लू नहीं बोलूंगा क्योंकि इसके ऊपर जो है वो ब्लैक कलर का एक टेक्सचर देखने को मिलेगा आपको। इस पैंट को बनाया गया है 100% कॉटन मटेरियल से, बिल्कुल ही सॉलिड है, कोई प्रिंट पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। थिकनेस दोस्तों उतना कुछ खास नहीं है, जो न्यूज़पेपर आते हैं उनसे थोड़ा सा ही ज्यादा थिकनेस है इसका। इन हैंड फील सॉफ्ट है, धोने के बाद थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाएगा। ओकेशन के बाद तो आप इसको जो है फॉर्मली फॉर्मली किसी भी ओकेशन में पहन सकते हैं, बट ये पैंट जो बहुत ज्यादा ब्रीदेबल है तो गर्मियों के लिए तो आइडियल है। इस पैंट का टैग प्राइस है 1500 रुपीस के आसपास लेकिन इंटरेस्ट में इसको परचेस किया ओनली 440 रुपए में। हाँ दोस्तों सही सुना आपने, ओनली 440 रुपए में। तो जाओ जल्दी खरीद लो यार इससे पहले कि ये पैंट आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। ये भी स्लिम फिट पैंट है, इसका वेस्ट साइज 30 है, मैंने अपने फिटिंग के हिसाब से परचेस किया है, बट यहाँ स्क्रीन पर आपको साइज चार्ट दिख रहा होगा तो आप अपने फिटिंग के हिसाब से साइज चेक कर लेना। फिटिंग की बात करो तो इस पैंट का फिटिंग काफी अच्छा है मेरे ऊपर, ना बहुत ज्यादा लूज हो रहा है ना ही बहुत ज्यादा टाइट हो रहा है, गर्मी में पहनने के लिए आइडियल फिटिंग है। इस पैंट में आपको 5 पॉकेट देखने को मिल जाएगा, बटन क्वालिटी अच्छा है, जो जिप क्वालिटी है वो भी काफी स्मूथ है। दोस्तों कॉटन मटेरियल का पैंट है तो थोड़ा सा ध्यान रखना वॉशिंग के दौरान,
इसको अच्छे से वॉश करना, जेंटली वॉश करना, थोड़ा सा महंगा डिटर्जेंट यूज करना, और अगर वॉशिंग मशीन है तो कोई दिक्कत होगा। हाईलैंडर का पैंट है तो थोड़ा बहुत कलर फेड हो सकता है, मैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बाकी आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। साल की बात तो आप इसको जो है वो शर्ट के साथ, टी शर्ट के साथ, जैकेट के साथ, ब्लेजर के साथ आराम से वेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का हमारा वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, आपके काम का होगा, और ऐसे ही नए नए अनबॉक्सिंग और रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दे, तभी आपको हमारे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सही टाइम पे मिलता रहेगा। तो जेंटलमैन आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और जबरदस्त अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।